नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। आज इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा एनपीके खाद का इस्तेमाल कब और कैसे करना चाहिए, एनपीके खाद क्या होती है, इसके डालने के क्या फायदे होते हैं, क्या इसका उपयोग होता है और गेहूं में अच्छी ग्रोथ लेने के लिए एनपीके खाद का इस्तेमाल कब और कैसे करना चाहिए। साथ में आप जानेंगे जिंक और बोरान की कमी से गेहूं की फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसके प्रभाव से बचने के लिए हमें कैसा छिड़काव करना चाहिए। लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। जो एनपीके जो होता है, यह एक तरह का केमिकल खाद होता है जिसमें पौधे के लिए जरूरी तत्व नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम आदि का यह मिश्रण होता है और इस खाद का उपयोग करने से पौधे का संपूर्ण विकास होता है और ये कई तरह के अनुपात में हमारे बीच में उपलब्ध होता है, जैसे कि 19-19-19 हो गया, 30-10-20, 12-61-00, 8-32-16, 0-0-52-34, 20-20-20, 12-32-16 आदि अनुपात में पैकेट के रूप में यह मार्केट में उपलब्ध होता है और हर अनुपात को अलग अलग तरह के पौधे, फल फूल सब्जी इत्यादि में डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो एनपीके खाद होता है यह पानी में आसानी से घुल जाता है और लगभग 1 लीटर पानी में 1 चम्मच आपको एक खाद का प्रयोग करना है, उसके बाद ही आपको इसके स्प्रे करना चाहिए। यदि फल और सब्जी के लिए इसके अलग अलग अनुपात का हमें खाद अपने जो कृषि विशेषज्ञ उसकी सलाह से इसका प्रयोग करना चाहिए और जरूरत के हिसाब से सही अनुपात के खाद का ही प्रयोग करना चाहिए। और साथ में हमें मिट्टी की भी जांच करानी चाहिए जिससे हमें ये पता चल सके कौन से तत्व की कमी है, तो उसी तत्व को हमें ज्यादा मात्रा में और इस अनुपात में से उचित अनुपात को देखकर उसका छिड़काव करना चाहिए। तो किसान भाइयों, जो एनपीके खाद जो होती है, इसमें एनपीके में जो एन फॉर नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन पौधों के लिए क्या क्या फायदे करती है, जब हम इसके बारे में और बात करें, इसकी कमी से जो पौधों की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और ये भरपूर मात्रा में होने से इसमें जो पौधों की जो जड़ें हैं वो तेजी से बढ़ती हैं, नई पत्तियां का विकास होता है, पौधा का जो घना होता है और पौधे में जो क्लोरोफिल है वो भी अच्छी मात्रा में बनता है जिसकी वजह से हरा रंग बहुत अच्छा होता है और पौधे में रोगों से बचाव की क्षमता उत्पन्न होती है और जनरली प्रोटीन और विटामिन के उत्पादन के लिए नाइट्रोजन एक बहुत ही जरूरी तत्व होता है। और नेक्स्ट जो तत्व है जो फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस की वजह से क्या फायदे होते हैं, जो जो बोए गए जो बीज होते हैं उनमें बढ़ने की क्षमता उत्पन्न होती है, उसमें नई जड़ें बहुत तेजी से विकसित होती हैं और पौधे में नए फल फूल बनते हैं और पौधों में बीज बनना भी शुरू हो जाते हैं, तना और डंठल काफी ज्यादा मजबूत बनता है और पौधों में फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है वो तेजी से होती है, साथ में फसलों को पकने में भी फास्फोरस में काफी ज्यादा मदद मिलती है। अब हम बात करें पोटेशियम के बारे में, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होती है, इसमें ठंड से बचने की जो शक्ति उत्पन्न होती है, साथ में पत्तियां और जड़ भी काफी ज्यादा मजबूत होती हैं, इसकी वजह से गैसों का अच्छा एक्सचेंज होता है और स्टार्च की मात्रा भी पौधे में भरपूर मात्रा में बनती है। तो मुख्य रूप से यही नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के फायदे होते हैं। किसान भाइयों, गेहूं में अच्छी ग्रोथ के लिए किस समय कौन से एनपीके का स्प्रे करना चाहिए, यदि हम इसके बात करें अंकुरण के समय, मतलब एनपीके 19-19 का आपको छिड़काव करना चाहिए जो कि फसल के लगभग 15 से 20 दिन की आयु में इसको करना चाहिए। इसके करने से जो पौधे की जड़ें मजबूत बनती है, पौधों की अच्छी वृद्धि होती है और अच्छा उनका विकास होता है। और इसकी हम मात्रा की बात करें 10 से 15 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करना चाहिए। पीछे की तरफ जो गेहूं का खेत देख रहे हैं ये लगभग 15 दिन का हो सकता है, तो इस समय इसकी हमें इसकी जरूरत है। और यदि हम बात करें कि जब तना हमारा निकलने की अवस्था होती है उस समय हमें एनपीके 12-61-00 का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि लगभग 40 से 60 दिन की आयु में हमें इसका छिड़काव करना चाहिए। इसके छिड़काव करने से आपका तना मजबूत होता है, फसल का गिरना बहुत कम होता है, साथ में गुणवत्ता में भी काफी ज्यादा सुधार होता है और फूल आने की अवस्था में एनपीके 0-0-52-34 का छिड़काव करना चाहिए। यह लगभग 60 से 90 दिनों की आयु में आपको इसे कर देना चाहिए। इससे आपकी पैदावार में बढ़ोतरी होती है, दानों का साइज बढ़ता है और फसल के पकने के समय अच्छी वृद्धि होती है और अच्छी ग्रोथ होती है। तो इस तरह से एनपीके का अपने गेहूं में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि हमारे फसल में गेहूं में बोरोन की कमी हो जाती है
तो बोरोन की कमी की वजह से पौधों का जो विकास है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से जो दानों का आकार है वो बहुत छोटा होता है। यदि हमारी फसल में बोरोन की कमी हो गई है तो उसकी कमी को दूर करने के लिए 20% बोरोन का 100 से 120 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। और दूसरा जो जिंक होता है, जिंक की कमी से जो पत्तियां हैं वो पीली पड़नी शुरू जाती हैं और दानों का आकार भी छोटा रहता है। यदि आपकी फसल में जिंक की कमी हो रही है तो इसके लिए 0.2% जिंक का छिड़काव आपको करना चाहिए। 1 किलोग्राम जिंक 5 किलोग्राम यूरिया को 200 लीटर पानी में घोलकर उसकी अपने खेत में छिड़काव करना चाहिए। इससे हमारी पैदावार भी अच्छी होगी और जो पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो गई हैं वो भी सही हो जाती हैं। इस तरह से यदि आप अपनी फसल में एनपीके का छिड़काव करेंगे तो आपकी पैदावार भी बहुत अच्छी होगी। और इस समय आपको ध्यान रखने की भी जरूरत है कि यदि आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो खेत में पर्याप्त नमी भी होनी चाहिए। ऐसी अच्छी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।